गुड मॉर्निंग क्लास, विद्याविहार स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज आप फिर से कनेक्ट हुए हैं साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आधा पढ़ चुके थे, तो आधे क्वेश्चन इसके हमने शायद लास्ट क्वेश्चन जो था वो था नेम 3 बुहार का जो मॉडल था वो बनाया था हमने एन सेल वाला। एंड अगला क्वेश्चन है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटॉम। सब एटॉमिक क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटॉम, एक एटॉम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो क्या है। इनको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट 2 नाम से अपन इसको क्लास को मेंशन कर देते हैं बिकॉज इससे पहले हम एक क्लास इस चैप्टर की अटेंड कर चुके। तो भाई 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटॉन्स, फिर है इलेक्ट्रॉन्स और एक है न्यूट्रॉन। तीनों के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनके बारे में बता देते हैं कि वास्तव में ये कैसे पहचाने जा सकते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, है ना, नेगेटिवली चार्ज और थर्ड है न्यूट्रल इन नेचर। मतलब इस पे कोई भी इनका खुद का चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने इनको लास्ट अटेम्प्ट पे भी समझाया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन में आया है कि नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल एन एटॉम, तो मैंने उसका आंसर यहां पर आपको समझाया है, लिखा है। ये क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आइए आप अगले क्वेश्चन। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटॉम। कार्बन और सोडियम में ठीक है, जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है ये आपको यहां पर शो करना है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और सोडियम का जो है वो 11 है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11, ओके। इसको सी से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको एन ए से। ये आपको जो इसके साइंटिफिक जो नाम हैं और जो इसके सिंबल्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। कॉमनली जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं उनका कम से कम हमें याद होना ही चाहिए। पूरा टेबल बना हुआ है आपका पेज नंबर 51 पर, उसमें से आप उनको याद कर सकते हो। गैस का है पूरा, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसा कि अपन ने देखा था वो 3 कॉलम बने हुए थे 288 ऐसे करके होता है ना। तो जैसे अब इसका है मान लीजिए कार्बन का, तो पहले वाले उसमें कितने होंगे? हमेशा ही 2 होते हैं। दूसरे में 8 तक होते हैं, इसमें तो इसमें 8 है ही नहीं, बचे कितने? 4। तो ऐसे रहता है 2 और 4। अगर यहाँ अदर नंबर होता तो जैसे मान लीजिए इसमें देखेंगे अभी एटॉमिक नंबर इसका Na का, ये कितना आता है पहले कॉलम में, पहली रिंग में 2, फिर 8 और 2 10 हो गए। थर्ड कॉलम में क्या गया? 1। कितने जा सकते हैं थर्ड कॉलम में? 8 तक फिर जाएंगे उसमें, ठीक है ना।
लेकिन अपने पास एक ही बचा था, इन दोनों को जोड़ा, 8 और 2 10 हो गए, वन बचा 11। इस प्रकार से इसको सेट करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर है के सेल, ये के सेल होती है और ये एल सेल, के एल एम भी आता है तो वो अलग है, ये के में आए हैं, ये एल में आए हैं और ये एम में आए। ये तीन सेल्स होती है ना, वो कल अपन ने बनाया था बुहार का, जो अपन ने फिगर बनाया था ना बोर्ड पर लास्ट अटेम्प्ट पर, जब भी उसमें बताया था आपको। तो के सेल जो है, यहां लिख देता हूं, के सेल में हमेशा ऑलवेज 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एटॉमिक नंबर वाला है वो 2 से ज्यादा ग्रो अप नहीं कर सकता, इसी का विशेष ध्यान रखें। एल में 8 से ज्यादा नहीं कर सकता, एम में 8 से ज्यादा नहीं कर सकता, कोई भी नंबर हो। अब जैसे मान लीजिए कोई 12 नंबर वाला होता तो उसके 2 ये भर जाते, 8 ये भर जाते, इसके कितने बचते, 8 to 10, तो 2 बचता, इसके 2 भर जाते। 14 वाला होता तो ये 4 हो जाते, अगर 20 वाला भी होता तो फिर इसका भरने के बाद अगले में 2 चले जाते, इस प्रकार से इनमें ये भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द बैलेंस ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम, जो इनकी आप क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम की जो बैलेंस है वो आप किस प्रकार फाइंड करेंगे, इससे आप देखिए। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, पहले डिफाइन करेंगे हम, देन हम उसके ऊपर बात करने वाले। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको तो हम आगे की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, क्लोरीन एंड सल्फर एंड मैग्नीशियम का जो बैलेंस ही था वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं ऑन बोर्ड। चलिए देखते हैं क्या बताया इनने, क्लोरीन, क्लोरीन इसका 17 होता है, सल्फर का 16 होता है, और मैग्नीशियम का जो है वो 12 होता है। तो आप करना सीख गए होंगे इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, KLM में कैसे जाएगा, 2 8 कितना बचा, 2 8 10, और कितना बचा 17 करना है, तो ये K, ये L और ये M, ठीक है, इनके अंदर वो जाएंगे। अब ये 16 इससे कम है तो क्या होगा, 2 8 एंड 8 to 10 एंड 6 बचा। इसी प्रकार मैग्नीशियम का 2 और 8 10, 2 बचा, थर्ड वाले में 2 चला गया। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कॉमा लगाकर भी इनको वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कॉलम वाइज बनाकर भी अपन इसको बैलेंस करना सिखा सकते हैं। तो ये इसके इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है सेल्स के अंदर, ठीक है। आइए इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन है सीधा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है। आइए इनके बारे में हम तीनों डिफरेंस पढ़ते हैं। उससे पहले मैं बोर्ड को पूरा क्लीन कर लेता हूं और फिर उसके बाद हम
देखें बहुत अच्छे समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका प्रभाव इतना है कि ये एग्जाम में आ सकता है। सो क्या क्या डालना है आपको, इलेक्ट्रॉन डाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है ना, एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और किसके बेस पे कर रहे हैं तो वो भी अपने यहां लिख लीजिए, कॉलम प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर के नाम से, तो इनमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ तो कभी प्रॉपर्टी, आप चाहें तो प्रॉपर्टिकुलर्स यानी विवरण उसका लिख सकते हैं। स्टार्ट करें, पहला है चार्ज, फर्स्ट क्या है इस पे नंबर, फर्स्ट जो है चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव, पॉजिटिव और इस पे नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। सेकंड है लोकेशन, ये कहां पाए जाते हैं, ये आउटसाइड जो एटम होता है उसकी जो मॉलिक्यूल होता है उसके बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसके बाहर, ये न्यूक्लियस पे ही होता है, ऑन द न्यूक्लियस, ओके, ये जो है नो इनसाइड द न्यूक्लियस, ये इनसाइड होता है, ये ऑन होता है, ये एन होता है, इन साइड द न्यूक्लियस, ओके, यहां तक क्लियर हुआ होगा, ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस रहता है, ऑन द न्यूक्लियस रहता है, साथ में उसके साथ ही मूवमेंट कर रहा होता है, और ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। थर्ड है वेट, वजन, वेट मास, मास इज नेगलिजिबल, नेगलिजिबल माइनस में होता है, 1 amu, ठीक है, 1 amu, ये एटॉमिक जैसा कुछ यूनिट होती है उसका लिखा हुआ है, और इसका भी 1 amu, तीनों में डॉट यानी ये तीनों शॉर्ट फॉर्म है। फिर है फोर्थ नंबर जो है वो है एफिनिटी, एफिनिटी क्या है इसकी, क्या है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड टवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है इसके अपोजिट करेगा, सो अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये इनके पास कोई भी चीज नहीं है तो ये न्यूट्रन ही रहते हैं, यानी नो डू नॉट गेट, डू नॉट गेट अट्रैक्ट ईच अदर, किसी से भी डू नॉट गेट अट्रैक्ट बाय एनी, किसी के भी द्वारा अट्रैक्ट नहीं किए जाते, ठीक है। इस प्रकार से डिफरेंस का पूरा चार्ट प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दो क्वेश्चंस जो है वो हम अभी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जेजे थॉमसन मॉडल्स ऑफ एटॉम्स। जो जेजे थॉमसन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया था, उस पर उनने साइंटिस्ट थे, उनने बनाया, उनके मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, यानी कुछ बंदिशें थी उसमें, वो पूरा काम नहीं कर पा रहा था, उनका जो मॉडल था वो क्या थी। क्वेश्चन के आंसर में आपको बोल रहा हूं, उसके दो पॉइंट्स हैं। पहला है द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये बाहर से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स को डिफाइन नहीं कर पाता था, एंड स्कैटरिंग विच वॉज कंडक्ट बाई रदरफोर्ड, जो रदरफोर्ड ने किया
वो इनका जो सेक्रेटेड अल्फा पार्टिकल था वो कहाँ से निकलता था, कहाँ से आता था, वो नहीं बता पाए। द मॉडल फेल टू डिपिक्ट वाई मेजोरिटी ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स। ये तब फेल हो जाता था जब अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में वहां आ जाते थे एंड पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विथ सम आर डाइवर्ट थ्रू स्मॉल एंड बिग एंगल्स। जो इस गोल्ड फॉइल में से निकलकर ज्यादा मात्रा में छोटे बड़े रूप में निकल कर आते थे, वाइल सम अदर रिबाउंड कंप्लीटली, जो द्वारा से बॉन्ड कर फिर द्वारा से बैक होकर अपने पथ से गुजरने लगते थे। तो ये इनका यहाँ पर एक फेलियर हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल्स को डिफाइन सही तरीके से नहीं कर पाए। सेकेंड था, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंट एविडेंस वाज स्टेबलिश्ड ऑन द इमेजेशन। ये जो है कोई एविडेंस यानी कोई सबूत नहीं दे पाए कि जो इमेजिनेशन पावर है जिससे ये सोचकर मान लेते हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं, उसका कोई भी एविडेंस साक्ष्य जो है वो कहीं किसी किताब में नहीं है। इसलिए इनका जो थॉमसन मॉडल था वो कहीं ना कहीं फेल रहा। अगला है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम। अब रदरफोर्ड वाले जो थे, दूसरे जो साइंटिस्ट थे, उनकी भी लिमिटेशन थी कुछ, ठीक है। उनकी क्या लिमिटेशन थी मैं आपको समझा देता हूं। फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटॉम्स। देयर इज नो एक्सेप्टेड स्टेबिलिटी इन द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो घूमता था सर्कुलर ऑर्बिट पर, उसके कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिरता नहीं थी उसमें। क्या नहीं थी? स्थिरता। अगला है, मतलब कहीं भी वो मूव कर जाता था ऊपर नीचे, कोई एक इसका रिंग पक्का नहीं था। चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी। जो चार्ज पार्टिकल्स होते थे वो एनर्जी को रेडिएट करते थे, छोड़ते थे व्हेन एस्केलरेटेड, थस जब उनको एस्केलरेटेड यानी तेजी से मूवमेंट होता था तब। थस कसिंग ऑफ रिवोल्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स एज लूज एनर्जी एंड फेल इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो तेजी से मूव करेंगे, एनर्जी छोड़ेंगे, तो वो न्यूट्रन हो जाते थे। थर्ड है हैंस, अर्थात एटॉम्स मस्ट बी हाईली अनस्टेबल। इसमें जो एटॉम था वो कैसा था? अनस्टेबल था, फिक्स नहीं था, स्थिर नहीं था। सो मैटर वुड नॉट एग्जिट देयर ओवन फॉर्म। इसलिए जो मैटर बनेगा उससे वो क्लियर फॉर्म में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके एटॉम ही संगठित नहीं है, स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। एंड विच क्लियरली एन एक्सेप्शन, द एटॉम इज हाईली स्टेबल। किसी भी चीज को बनने के लिए हाईली स्टेबल होना बहुत जरूरी है एटम का, तभी वो रिएक्शन रिएक्ट करके बाहर आ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला मैं करा रहा हूं।